कोलारस थाना क्षेत्र के भड़ौता ग्राम के पास गुंजारी नदी से अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्राली में रेत भरकर ले जा रहे ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची कोलारस थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिस ट्रैक्टर ट्राली में भरकर रेत ले जाई जा रही थी वो रेत पूर्णतः अवैध थी। जिस ट्रैक्टर ट्राली में भरकर अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा था वो ट्रैक्टर ट्राली हरिपुर गांव के राधे पंडित की बताई गई है। ट्रैक्टर को हरिपुर गांव का रहने वाला 25 वर्षीय चालक संजीव केवट पुत्र लखन केवट चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गुंजारी नदी में से ट्राली में भरकर रेत को अवैध रूप से लाया जा रहा था। इस दौरान नदी के घाट को जब ट्रैक्टर चालक रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को चढ़ा रहा था उसी वक्त ट्रैक्टर असंतुलित होकर आगे से उठ गया जिसमें दबने से चालक संजीव केवट की मौत हो गई। बताया गया है कि ट्रैक्टर ट्राली में कुछ लेबर भी सवार थी जो कि घटना के बाद लेबर मौके से फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सर, आज जो रेत से भरा एक ट्रैक्टर पलटा जिसमें एक युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हरिपुर गांव का संजीव केवट है लड़का, ये ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने यहीं हरिपुर के किनारे से जो नदी निकली है गुंजारी उससे इसने जो मोटी वाली बजरी होती है उसको ट्रॉली में भर लिया था। ये किसी राधे पंडित का ट्रैक्टर बताया जा रहा है और इसको लेकर के जा रहा था तो जो घाटी आई तो उस पर इसका ट्रैक्टर आगे से उठ गया, इससे स्वयं गिर करके ट्रॉली और ट्रैक्टर के बीच में दब गया, इससे इसकी मृत्यु हुई है। और ये इस तरह की घटना जो है बहुत खेदजनक है। बार बार इतनी चलती हुई नदी में इस तरह का उत्खनन करना, ये खुद ही जान का और जान माल का रिस्क है, फिर भी इन लोग बार बार चिताने के बाद भी ये लोग हरिपुर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। और बार बार मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपनी जान का रिस्क ना लें और इस तरह ये आज घटना हुई है इससे सबक लें कि ये इस प्रकार की चोरियाँ ना करें। मेरा ये हादसे के समय ट्रैक्टर पर कितने लोग और सवार थे? ये अभी जानकारी नहीं मिली है, ये जानकारी मिली कि यही जिसने देखा उसने इसी को देखा, सुना है कि कुछ लेबर वगैरह रही होगी तो शायद भाग गए हैं। अच्छा सर, ये अभी तक क्या जिसकी मौत हुई है उसकी कहाँ का रहने वाला था? ये हरिपुर के रहने वाला था। अच्छा, हरिपुर के बिल्कुल किनारे से ये नदी निकली है, गाँव के किनारे से, और ये अंदर जा कर के नदी में इस प्रकार का चोरी से ये लोग भरते हैं और ये निकालने का प्रयास किया। बता रहे हैं कि अभी ये 2 दिन पहले ट्रैक्टर लाया था, पहली बार यहाँ आया था। सर, ये गांव वालों का रोज कहना है कि रोज़ ये काम कार्य यहाँ पर होता है, फिर भी कभी प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल देता है प्रशासन, बिल्कुल पुलिस सख्ती करती है, पुलिस निरंतर कार्रवाई भी कर रही है, पूर्व में भी कार्रवाई की है, अभी माइक के माध्यम से सब जगह इन लोगों को चेताया भी है। इतनी भरी हुई नदी है या तो स्वयं ही बहुत गैरकानूनी के अलावा जान के रिस्क का काम है और इस तरह की कार्रवाई हमने जो की है इसमें इसमें जो जो लोग दोषी होंगे सभी को आरोपी बनाएंगे, अवैध उत्खनन का मामला भी कायम करेंगे और पूर्ण जो किसी को नहीं बख्शा जाएगा इसमें। ठीक है।